बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से लौटने वाले विधायकों की। रायपुर से रांची थोड़ी देर में पहुंचेंगे यूपीए के विधायक। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता विधायकों को रिसीव करने पहुंचे रांची एयरपोर्ट। सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र में सभी विधायक शामिल होंगे। आज रात सर्किट हाउस में ठहरेंगे सभी विधायक। तो थोड़ी देर में रायपुर से तमाम विधायक महागठबंधन के पहुंचेंगे। तो कुछ ही देर में रायपुर से तमाम जो विधायक है महागठबंधन के वो रांची पहुंच जाएंगे और पल पल की अपडेट्स, तस्वीरें, जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी शहनवाज अख्तर। हमारे साथ इस वक्त भी वो लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। शहनवाज, हलचल बढ़ने लगी है, आपके मार्फत जो जानकारी आई है कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सत्यानंद भोक्ता पहुंच गए हैं विधायकों को रिसीव करने के लिए। पहुंचने वाले हैं, अब तक पहुंचे नहीं है एयरपोर्ट पर, लेकिन तीन बसें पहुंच गई हैं। बाईं तरफ आपको मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा आग्रह करूंगा कैमरामैन से, ये दो बसें आपको एक सीध में नजर आ रही हैं, चक दे सुल्तान और एक और दूतगामी बसें हैं। ये दोनों लोकल बसें हैं जो राज परिवहन जो झारखंड की है दूतगामी सेवा, उसकी ऐसी बसें हैं। और एक छोटी बस आप देख रहे होंगे, तीन बस आई हैं, उसमें लगेज जाएगा। तमाम विधायकों के जो लगेज हैं वो एडिशनल इसमें जाएंगे और इसमें दोनों विधायक जो उतरेंगे दोनों पार्टियों के, जेएमएम और कांग्रेस के, और उनके साथ जो गए हुए और भी लोग हैं कुछ कुछ। और ये जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, ये वो गेट है जहाँ से अक्सर वीवीआईपी मूवमेंट होता है या क्रिकेट की टीम इधर से आती है। तो मैं आग्रह करूँगा, देखिए हमारे साथ 12 बजे से पहले से ही हमारे जो सहयोगी संवाददाता आयुष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात को इन्होंने कंफर्म किया कि हाँ आज आगमन हो सकता है। आप बताइए, ये जो हम देख रहे हैं ये जो इंतजामात, ये भी हैं या कुछ और भी इसके साथ ऑप्शन रखा हुआ है कि कहीं से और भी आ सकते हैं? देखिए शहनवाज सर, ये बताना चाहेंगे, चूंकि विधायकों की संख्या लगभग 29 है, इसके साथ दो मंत्री भी पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये डेडिकेटेड गेट है जो अब बैरिकेटिंग भी कर दी गई है, कह सकते हैं जो आईआरबी के जवान जो हैं उनकी तैनाती हुई, तो ऐसे में तब्दीली संभव नहीं है क्योंकि संख्या उनकी बड़ी है। और साथ ही साथ क्योंकि मीडिया को भी दूर रखने को, जैसा कि आपने बताया कि मीडिया को दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है, जी हाँ, पूरी तरह से बैरिकेटिंग की गई है। लगभग जो विधायक जो यहाँ से गेट है, यहाँ से जो दूरी है लगभग 15 मीटर की दूरी है, तो ऐसे में विधायकों तक पहुँचने में हमें परेशानी जरूर होगी, लेकिन हम प्रयास जरूर कर रहे हैं कि विधायकों से बात करने की। साथ ही साथ आपको बता दें कि चूंकि एयरपोर्ट पर गहमागहमी सुबह से है, राज्यपाल के आगमन को लेकर कई कयास लगा, यही मैं सवाल पूछ रहा था, क्या किसी तरह की कोई सूचना मिल पा रही है कि राज्यपाल का भी कोई आगमन हो सकता है आज शाम तक? जी देखिए, सूचना आधिकारिक उसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन गुप्त तरीके से ये रखा गया है, तकरीबन शाम के वक्त जो है राज्यपाल का आगमन हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं है और इसे गुप्त रखा गया है। ये गुप्त रखने का प्रयास इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले बार जब राज्यपाल रांची आए थे दिल्ली से, तो कई तरह की चीजें जो है देखी गई थी, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की थी मीडिया से, तो ये तमाम चीजों को देखते हुए जो ये चीजें हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं कि विधायक,
तो शहनवाज और आयुष हमारे सहयोगी संवाददाता लाइव जुड़े हुए थे हमारे साथ, कुछ तकनीकी खामी आ गई है। हम जी शहनवाज, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिए, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज कट गई थी आपकी। जी शरीफ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि अभी अभी सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं, श्रम मंत्री हैं इस मौजूदा सरकार में, उनका आगमन हुआ है। वो रिसीव करने के लिए आए हैं, जो विधायक वहां से आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए आए हैं। और मिथिलेश ठाकुर भी जो मंत्री हैं यहां पर, पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं जेएमएम कोटे से, वो भी पहुंचने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो मंत्री रिसीव करेंगे, क्योंकि ये जो विधायक यहाँ से लौट रहे हैं उनको इस बात का एहसास हो कि जो उनका स्वागत हो रहा है, उनकी कुछ वैल्यू है। आप देख सकते हैं, आपको एक झलक हम दिखा दें कि सत्यानंद भोक्ता बात करना मीडिया से बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं, बनी हुई है गरीब की चुनी हुई सरकार है। तो भोक्ता जी, जरूरत क्यों पड़ी किस बात? अभी विशेष सत्र हम लोगों को अभी सुखाड़ का स्थिति है और कई अन्य मुद्दे हैं, सो विषय पर चर्चा होगी। सुखाड़ पर चर्चा एक दिन की ही गई थी। अभी और कई मुद्दे हैं। सभी मुद्दा यहाँ पर आएगा और सभी अब लोगों के सामने रहेगा। यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ से आएंगे रांची में ही रहेंगे, और कल विशेष सत्र हम लोग। क्या सभी विधायक रात में एक साथ डिनर करेंगे? एक साथ डिनर करेंगे, अभी लंच भी होगा, सब होगा। अभी हम लोग एक साथ आपके बारे में कहा जाता है कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। सत्र में भी होगा, डिनर डिप्लोमेसी करेंगे सब। सब मंत्री जी, सेशन से पहले यूपीए की मीटिंग होती है, क्या आज रात को मीटिंग होती गई है? मीटिंग हम लोग साथ ही चल रहे हैं, मीटिंग ही मीटिंग है। ठीक है सर। ये थे मंत्री सत्यानंद भोक्ता, जो बता रहे थे कि हम साथ साथ हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने आप को एकजुट रखने के लिए कर रहे हैं, अपनी जो सरकार है उसको अस्थिर बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, और ये उनके हिसाब से ये जायज भी है, क्योंकि इतनी साजिशें हैं। आप इनकी दृष्टि से देखें तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जो विपक्ष है उनके हिसाब से मुख्यमंत्री पर जो आरोप हैं वो विपक्ष की वजह से नहीं लगे हैं। तो बहरहाल दोनों के अपने अपने पक्ष हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है, और ये सुरक्षाकर्मी सुरक्षा की दृष्टि से विधायकों को बिल्कुल बचा करके मीडिया से किस तरह से बस के अंदर पहुंचाया जाए गया। वहां सुरक्षा का या फिर मीडिया से दूरी बना के रखने का तमाम इंतजाम है वहां पर। शहनवाज, आप नजर बना के रखिए, हम लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, आपका शुक्रिया। आयुष भी जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।